अरे 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 अरे, ये कहाँ से कहाँ आ गई कहानी। जी हाँ, अभी पिछले ही क्षण लग रहा था कि दोनों का पैचअप हो जाएगा और अब तो बात तलाक तक आ गई। एक तो आजकल सीरियल्स में डाइवोर्स ऐसे होता है कि ना जाने इंसान छींक मार रहा हो। किसकी बात कर रहे हैं भैया? कार्तिक और नायरा की। लगा था कि नक्श और कीर्ति की एनिवर्सरी के चक्कर में दोनों एक हो जाएंगे, एक तो दूर की बात है, बात तो डाइवोर्स तक आ गई है। किसने सोचा था कि कभी नायरा और कार्तिक का तलाक होगा? जिंदगी उन्हें ऐसे मोड़ पर ले आएगी कि दोनों को एक दूसरे से तलाक लेना होगा। तलाक शब्द सुनते ही जहन में तमाम ख्याल आने लग जाते हैं, क्योंकि ये तलाक बला ही कुछ ऐसी है। अभी अभी तो मुंबई में इनकी कहानी फिर से शुरू हुई थी, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तलाक लेने की नौबत आ गई? आप बताइए ना। आप कैसे ऐसे कैसे? अरे आप पहले आ। पहले पहले प्लीज। क्या हो गया? ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये प्रोमो जो पूरा शूट हो रहा है जो दरार पे है, तो दरार से पहले ऐसा कुछ हुआ है उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो लोग इस एज पर आ चुके हैं। बट अब भी वी हैव होप के एक कायरा मिलन होकर रहेगा आगे। वैसे नायरा और कार्तिक के फैंस को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नायरा और कार्तिक का तलाक तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी जोड़ी तो कान्हा जी ने बनाई है ना, तो इन्हें कौन अलग कर सकता है। एक कॉलेज के लैब में कुछ ऐसा ही तो हो रहा है। और आपको बता दें कि नायरा और कार्तिक के ये रोमांटिक पल को देख लेगी सुवर्णा और नाराज होकर यहाँ से चली जाएगी, और उसके बाद सुवर्णा का एक्सीडेंट हो जाएगा। अब भाई क्या भाई, सारी कहानी आप सास बहू और साजिश में ही सुनेंगे। कुछ कहानी तो छोड़ देते हैं आप सबको जो आप ये रिश्ता में देखेंगे। स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।